हाथों में हथकड़ी लगाए तेजस्वी के साथ लोगों से वोट मांग रहा है अपने जीत के लिए ये शख्स, लालू परिवार का बेहद करीबी बालू माफिया सुभाष यादव है। इनके ऊपर कई गंभीर आरोप है। ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था भ्रष्टाचार के मामले में, और अब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव ने कोडरमा से इन्हें राजद गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस झारखंड विधानसभा के अंदर कोडरमा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है, और राजद का यह उम्मीदवार बिहार के बेऊर जेल में बंद सुभाष यादव है। सुभाष यादव के ऊपर बालू के कारोबार में गड़बड़ी के मामले ईडी के सामने आई थी, और उनकी कंपनी को ईडी ने गलत तरीके से बिहार में बालू का कारोबार करते हुए दोषी माना है, जिसके बाद ईडी ने उनके घर पर, उनके दफ्तर पर, उनके अन्य जगहों ठिकानों पर छापेमारी की, अंत में उनकी गिरफ्तारी हुई। ये वही सुभाष यादव हैं जो झारखंड में इसके पहले भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन इस बार कोडरमा से चुनाव लड़ना था तो उन्होंने कोडरमा से तमाम दस्तावेज तैयार कराकर राष्ट्रीय जनता दल को कह दिया था कि इस बार कोडरमा से चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से यह सीट आपके खाते में आनी चाहिए वरना मेरी तैयारी पूरी है। ये तस्वीरें देखिए कि तेजस्वी यादव के साथ मंच पर जो शख्स दिखाई पड़ रहा है, तेजस्वी जिस भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, जिसके लिए वोट मांग रहे हैं, यह शख्स सुभाष यादव है और तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं। हाथों में हथकड़ी लगाए शख्स के लिए तेजस्वी यादव किस तरीके से वोट मांगकर उसे जिताने की मांग कर रहे हैं, ये तस्वीर झारखंड के कोडरमा से निकल के सामने, जिसमें खुद तेजस्वी मंच पर हैं, नीचे हजारों की राजद की कार्यकर्ताओं की भीड़ है और मंच के ऊपर तेजस्वी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प भारी सुरक्षा में सुभाष यादव पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लगाए मौजूद है। इस नामांकन पद कार्यक्रम में नामांकन पर्चा भरने के लिए बजपता हाईकोर्ट से सुभाष यादव ने आदेश लिया था। हाईकोर्ट ने सुभाष यादव को झारखंड के कोडरमा में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जो है वो अपने निर्वाचन की तमाम प्रक्रिया में शामिल होने का आदेश दिया गया था। इस आदेश में यह भी कहा गया था कि बिहार के बेऊर जेल में बंद सुभाष प्रसाद यादव को पुलिस की सुरक्षा में पटना से कोडरमा ले जाया जाएगा और कोडरमा से वापस बेऊर जेल लाया जाएगा। इस बीच वो जो कार्यक्रम करना चाहते हैं उसमें शामिल होंगे, और उसके बाद ये बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की तैयारी थी जिसमें खुद तेजस्वी यादव अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सुभाष यादव के साथ जाने वाले खर्च भी सुभाष यादव ही उठाएंगे, जो पुलिसकर्मी जाएंगे, जो गाड़ी जाएगी, तो ये खर्च सुभाष यादव की तस्वीरें देखिए कि हाथों में हथकड़ी लगाए चले गए चुनाव लड़ने। देवी जी, अनिता देवी जी, सीमा कुशवाहा जी, जावेद साहब, मोहम्मद रफीक साहब, धीरेन्द्र पांडे जीएमएम के जिला अध्यक्ष, भागीर पासवान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, और कोटरमा के चारों प्रखंड के हमारे पार्टी के नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, और आप सब लोगों का आज के जनसभा में हम अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए झारखंड का विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, कल पहला चरण का आप लोग धन्यवाद करते और आप सब कोडरमा के हमारे जितनी महापंचायत तो हम लोगों के मालिक है, उन सब लोगों से लालू जी का हम संदेश लेकर के आए हैं, आप सब लोगों से अपील करने आए हैं, एक एक वोट जो है लाल टेन पर पतंग दबा करके राष्ट्रीय जनता दल सुभाष जी को भारी मदद से आप लोग विजय बनाए।
लालू जी का साथ दिया। आज आप सब लोगों के बीच हम लोग अपनी बात को रख के आए हैं। लगातार 10 सालों से राष्ट्रीय जनता दल जो है यहाँ सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि आप महान जनता सभी पिछड़ा से पिछड़ा भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई मिलकर के इस बार लालटेन को जलाने का काम करेंगे, लालटेन को बनाने का काम करेंगे। देखिए कदमा राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है, हम लोगों ने कभी भी कदमा को छोड़ा नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाती है, लोग हमेशा यहाँ आप लोगों के बीच रहते हैं। आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि 10 साल आप लोगों ने कोडरमा की जनता ने भाजपा को मौका दे दिया, हर किसी को मौका दे दिया। आपने देखा होगा लगातार झारखंड जब से हटा, बिहार झारखंड अलग हुआ, तब से सबसे ज्यादा अगर किसी ने शासन किया है तो भाजपा के लोगों ने किया है। लेकिन आज भी बदहाली है, आज भी कोडरमा का विकास जिस रफ्तार से, जिस तेजी से होना चाहिए, उस रफ्तार से यहाँ का विकास नहीं हो पाया। और आप सब लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं कि इस बार पुनः महागठबंधन की सरकार आप लोग बनाने का काम कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के हाथों को मजबूत कीजिए। हम अपने मालिकों से ताकत लेने के लिए आए हैं। एक बार हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और आप लोग कोडरमा सीट राष्ट्रीय जनता दल के झोले में दीजिएगा तो तेजस्वी का वतन है कोडरमा को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और व्यक्तिगत रूप से लालू जी का लगाव कोडरमा से हमेशा रहा, हमेशा, और मेरा भी लगाव कोडरमा से है। व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत को हम कोडरमा को देखने का काम करेगा, लोगों को देखने का काम करेगा, यहाँ पे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देखने का काम करेगा। हम अपने आप को भले राजगोपुर से जीतते हो, लेकिन राजगोपुर से काम कोडरमा को हम नहीं समझते हैं। यहाँ हम लोगों की सरकार के 27% ओबीसी को पिछड़ा को हम लोगों ने आरक्षण दिया, भाजपा के लोगों ने उस आरक्षण को खत्म कराने का काम किया। तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बिहार में था तो जाति जनगणना हम लोगों ने कराया, और जाति जनगणना करा करके पिछड़ों का और पिछड़ों का दलित जनजाति भाइयों का आरक्षण 63% हम लोग ने किए। लेकिन चर्चा प्रणाली भाजपा में लगा गया तो जो हम लोगों ने जातिगत गणना करा के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया उसको भी हम लोगों ने कोर्ट में चले जाकर जो हमारा का काम किया है। ये भाजपा के लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग पिछड़ा विरोधी लोग हैं। Yeah.
काशी अंचल के भाइयों को कोई उंगली उठा करके ये दे सकता पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।